हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको WHO के बारे में बताने जा रहे हैं। WHO के बेहतरीन कारनामे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बेहतरीन इन द सेंस, बेहतरीन कहिए या तो सबसे ख़राब कहिए। उन्होंने एक विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन था, हेल्थ का इदारा था, संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने पैसे के बदौलत जो काम किया, पैसे लेने के बदौलत या जो कहिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो काम किया और उसकी जो साख है उसको नीचे गिरा दिया WHO का, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि वो इंडिया के लिए किस तरह हानिकारक है। इंडिया को उन्होंने एक चीज़, वो इंडिया के इंटरनल मामला में उन्होंने हस्तक्षेप किया और ट्रंप ने WHO का पैसा क्यों रोका, मैं इसके बारे में बताऊँगा। पर मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, अच्छी तरह से समझने के लिए। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या WHO रिस्पॉन्सिबल है इस तरह पेंडेमिक जो फैल गया, पूरा दुनिया में महामारी फैल गई कोरोना वायरस की, क्या WHO रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहूँगा इसमें बहुत बड़ा हाँ WHO का ज़रूर है। मैं इसके पीछे आपको तर्क देता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि जब पेंडेमिक फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, चाइना में था, तो WHO की स्थापना क्यों की गई है पहले आप ये जानिए। WHO की स्थापना 1948 में की गई है और ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू आता है। 1948 में की गई है और यूनाइटेड नेशन के थ्रू आता है, जिसका मेन गोल है कि दुनिया में गुड हेल्थ मेंटेन करना, दुनिया में अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखना, और दुनिया के सारे स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना WHO का काम है, और सारे स्वास्थ्य मंत्रालयों को एडवाइस देना WHO का ये भी काम है। और WHO एविडेंस मतलब सबूत के आधार पर एडवाइस देना, मैं आपको बता रहा हूँ कि WHO ने क्या किया क्या, उससे पहले ये जानिए कि WHO का काम क्या क्या है। और WHO ने सबसे पहली चीज़ क्या किया है कि जो पेंडेमिक है, जो महामारी है कोरोना वायरस, जब चाइना में फैल रहा था, तो तब तक जनवरी आते आते ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि ये आदमी से आदमी में फैलता है, इंसान से इंसान में फैलता है। पर WHO ने क्या बोला, ना सोचा ना समझा, WHO ने सीधा बोल दिया कि ये आदमी से आदमी में नहीं फैलता है। इसका ट्विटर में पोस्ट है, वो पोस्ट जाके देखिए, अभी तक है WHO के वेबसाइट पे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जब इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, केवल इंडिया ही नहीं, पूरा दुनिया ने विदेशी या चाइनीज़ फ्लाइट अपने आने पे बैन लगाना शुरू किया, इंडिया ने जब बैन लगा दिया चाइनीज़ फ्लाइट पे, तो WHO ने क्या किया कि पूरे दुनिया को उसके लिए लताड़ा, और इंडिया के लिए तो विशेषकर लताड़ा इंडिया को कि आप ट्रैवल बैन मत करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि तब तक ये प्रूव हो चुका था, जबकि तब तक ये प्रूव हो चुका था कि ये इंसानों में फैलता है, इंसान से इंसान में फैलता है, तो जहाँ ये बीमारी थी वहाँ से लोगों को ज़रूर बैन करना चाहिए था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इंडिया ने बैन किया तो उन्होंने लताड़ा, तब तक ताइवान, जिसे बहुत सारे कंट्री आज एक देश नहीं मानते हैं, लेकिन ताइवान ने पूरा दुनिया को ये बता दिया था कि ये इंसानों से इंसानों में फैलता है, ताइवान चीख चीख कर बोल रहा था, लेकिन चाइना के दबाव में WHO ताइवान को एक देश नहीं मानता है, और चाइना के दबाव में WHO एक देश नहीं मानता है ताइवान को, तो ताइवान की बात मानी नहीं, और ताइवान की बात मानी नहीं और उल्टा सीधा दुनिया को बताते रहे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, WHO ने ऐसा किया क्यों। इसका सबसे बड़ी कारण है कि जो WHO का अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो WHO का मुखिया भी है वो है डॉक्टर टेड्रोस, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। और टेड्रोस ने क्या किया कि वो इथोपिया के हैं और इथोपिया बहुत राजा कंट्री नहीं है, आपको पता है। और इथोपिया क्या है कि चाइना के जो महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वन रोड, उसमें क्या है कि उसके उस योजना में इथोपिया शामिल है, और इथोपिया ने क्या किया है कि चाइना से बहुत सारा लोन लिया है, जो चाइना के अभी हाल की नीति है कि छोटे देश को इतना लोन दो कि वो कर्ज के दबाव से दब जाए, हमारे कर्ज के दबाव से, और वो लौटा ना सके, फिर जो हम कहे वो माने,
इथोपिया की जो रूलिंग पार्टी है उसके वो आदमी हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले हैं इथोपिया में, डॉक्टर टेड्रोस। तो इथोपिया की गवर्नमेंट ने जो बोला ऐसा कहा जा रहा है, वही काम इथोपिया जो अभी WHO के प्रेसिडेंट है डॉक्टर टेड्रोस ने किया। डॉक्टर टेड्रोस ने क्या किया, चाइना का खुल के वो किया, क्या बोलते हैं, बड़ाई किया। पहले बोला कि जो सी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो एक स्टेटस सेट किया है, एक गोल सेट कर दिया है, मतलब महामारी में जिस तरह से काम किए बहुत ही अच्छा काम किए, और जबकि दुनिया को पता है कि उन्होंने छुपा के पूरा दुनिया में ये उस कोरोना वायरस के बारे में जो डेटा छुपाए है उसके छुपा के पूरा दुनिया में वायरस फैलाया, जबकि दुनिया को ये पता है, पर वो क्या किए, चाइना की बड़ाई करते रहे। उसके बाद क्या किए कि बोले इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता, जबकि इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर होता है। तो ये सारी दुनिया जान रही है कि ये किसके दबाव में था, चाइना के दबाव में था, चाइना के दबाव में था। जब चाइना के दबाव में सारी चीजें हो रही है तो दुनिया तो अंधी है नहीं, दुनिया देखती है, बहुत सारे संगठन देखते हैं। तो ट्रंप गुस्सा हुए इसके, और इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित है इससे। और ट्रंप ने क्या बोला गुस्से में आके कि ये जो चाइना का एपोलॉजिस्ट है, जो चाइना के तरफ बोलता है, पैसा तो हमसे लेता है, चाइना के तरफ बोलता है, सच्चाई भी यही है क्योंकि चाइना के तरफ ये बोल रहा है। तो ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप की जो टोटल पैसा है अमेरिका लगभग 15% WHO को देता है, 15% WHO को देता है अमेरिका, और चाइना कितना देता है, 0.2%। मैं प्रीवियस पिछले साल का डेटा का बात बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल का ही डेटा अभी तक है। और इंडिया चाइना से ज़्यादा देता है, फिर भी चूंकि इथोपिया को बहुत सारा लोन दे दिया है, 1/12 लोन का इनिशिएटिव है, चाइना का बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इथोपिया में, इसको खुश करने के लिए क्या किया WHO ने, WHO के प्रेसिडेंट ने सारी चीज़ें चाइना की तरफ बोली। और सारी चीज़ें जब चाइना की तरफ बोली तो ट्रंप ऑब्वियसली बोले कि 15% तो मेरा गवर्नमेंट देता है, और बहुत सारे NGO है जो और पैसा देता है जो 15% से कहीं ज़्यादा है, और चाइना इतना कम पैसा देता है और कर रहा है काम चाइना की तरफ। तो ट्रंप इससे गुस्सा हुए हैं, ट्रंप इससे गुस्सा हो गए। और ट्रंप जब इससे गुस्सा हो गए तो उन्होंने बोला कि हम इसका फंड रोक देंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ऑब्वियसली होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं बोला। लेकिन अभी पेंडेमिक है, पेंडेमिक में थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि बहुत सारे देश को असिस्टेंस भी जा रहा है जो गरीब कंट्री है, तो हमारे हिसाब से थोड़ा रुक जाना चाहिए अब ये मामला। और एक चीज और रही कि जितने भी वायरस हैं, जितने भी वायरस फैलते हैं, बीमारी फैलती है, उनको जिस रीजन से फैलता है, यह प्रथा है, यह ऐसी बनी हुई है प्रथा कि जिस रीजन से फैलता है उस रीजन का नाम इसमें आता है। जैसे इबोला फैला कहाँ से, कांगो से फैला, कांगो की नदी का नाम है इबोला, तो उसका इबोला वायरस नाम हुआ। तो उसके पास पैसा कम था तो उसका नाम रख दिए, और चाइना के पास पैसा नहीं, चाइना के पास पैसा बहुत है तो हम उसको चाइनीज वायरस नहीं कहें। चाइना पूरा दुनिया को बोला, यहाँ तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी, इंडियन विदेश मंत्री को भी बोला कि आप इसको चाइनीज वायरस मत कहिए, आप इसको COVID-19 वायरस कहिए, और उन्होंने COVID-19 इसका नाम रख दिया। तो ये तो गलत है ना, दुनिया भर की वायरस का नाम उसके स्थान पर होता है तो उसका भी नाम उसके स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब कंट्री है तो उसका नाम रख दिया, उसकी बदनामी हो गई। और आपके यहाँ फैला तो आप राजा कंट्री, आपके यहाँ नहीं होगा। चाइनीज ने ये भी गलत किया, क्योंकि WHO ने फोर्स पूरा कह के बोला कि आप COVID-19 बोलिए, उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या है कि इंडिया में जो जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, उसका अलग प्रोफाइलिंग करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बार बोल देते हैं आके कि 30% लोग जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। ऑब्वियसली कल दिल्ली में जो केसेज आए हैं उसमें लगभग 90% केसेज हैं 100 में से तबलीगी जमात वाले हैं, तो गवर्नमेंट वो आके बोल देते हैं। अब जिसके कारण क्या बोला, WHO ने बोला है कि आप रिलीजियस प्रोफाइलिंग मत करिए, रिलीजियस डेटा मत जारी करिए, उनको पता होना चाहिए कि ये तबलीगी जमात पूरे मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सिर्फ एक संस्था है। और मैं इस पे नहीं जाता हूँ कि गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है, ये आप पे छोड़ देता हूँ, आप समझिए कि अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन ये हमारा इंटरनल मामला है, हम सभी यहाँ एक साथ रहते हैं लोग, ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारे अंदरूनी मामला में WHO को दखल नहीं देना चाहिए। और ऐसा करेगा WHO तो अपना साख खोता जाएगा, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा डोनेटर है WHO में, बहुत पैसा देता है WHO, कहीं इंडिया रुक जाए। ट्रंप ने ऑलरेडी बोला कि हम पैसा रोक देंगे, और इंडिया अगर भी रोक दे पैसा, ऐसे ऐसे दो चार कंट्री अगर और पैसा रोक दें, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री भी खफा है, यूरोपियन कंट्री से पैसा जाता है, उसके बाद UK सबसे ज़्यादा पैसा देता है अमेरिका के बाद, फ्रांस से भी जाता है, जर्मनी से भी जाता है, सभी लोग देते हैं, सभी खफा हैं WHO से। तो WHO अपनी मौत बुला रही है, WHO
अभी भी आग्रह करते हैं कि आप अपनी आत्महत्या मत करो, क्योंकि इससे बहुत सारे जो राजा कंट्री है वो पैसा देते हैं और गरीब कंट्री में पैसा जाता है, स्वास्थ्य जैसे चीज़ें होती है, मतलब स्वास्थ्य के जो फंक्शन है उसको चालू रखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और WHO देता है। तो मैं नहीं चाहता कि इसकी अपनी मौत आए, समझ गए, अपनी मौत नहीं आए इसका। और भी सब मतलब यह है ना कि विश्व के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रति लोगों का विश्वास उतना कम हो जाएगा कि पैसे के बदौलत कुछ भी किया जा सकता है, जैसे चाइना ने किया WHO में। तो अपना जो है ना मर्यादा खो देगी, अपना विश्वास खो देगी ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू माई फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।